क्या इतनी बड़ी ये मार्केट है कि पाकिस्तान में तो बेरोजगार नौजवानों की तादाद करोड़ों में हो चुकी है। अभी इस वक्त जो गोरों के ग्रुप्स है वहां पे भी जिक्र होता है कि अगर वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए तो पाकिस्तान से लेना। एक लैपटॉप हो, आप हो, ट्रेंड हो और लाखों रुपया लोग घर में बैठे कमा रहे, ये कैसे पॉसिबल है? इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, व्हाट टू सेल ऑन अमेज़न। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम मौजूद हैं सिर्फ ये गुफ्तगू करने के लिए कि लोग घर बैठे हुए, लोग अपने कंप्यूटर पे बैठे हुए लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं, ये हमेशा से ये सवाल होता है। फिर पाकिस्तान में चंद दिन पहले एक ख़बर सामने आई कि अमेज़ॉन का बिज़नेस पाकिस्तान में शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि अमेज़ॉन बिज़नेस पाकिस्तान में करेगा तो पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा है? ये तो अमेज़ॉन को फ़ायदा है, पाकिस्तानी नौजवान जनाब बड़े उनको अपना काम करना शुरू कर देंगे, एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा हो जाएगी, बिज़नेस में आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो मेरे जहन में आए हैं। पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री ज़्यादा अब फ्लरिश करेगी, ज़्यादा बेहतर होगी और पाकिस्तान में जो नौकरियों के लिए बच्चे घूम रहे हैं वो अपना काम कर सकेंगे। ये वो सारे सवाल हैं जो आपके जहन में भी आते हैं जब अमेज़ॉन या फिर पाकिस्तान में ई कॉमर्स के हवाले से बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो इनको सादा और आसान लफ्ज़ों में आज बयान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अहमद साहब, ई कॉमरेट्स अपनी कंपनी चला रहे हैं। हाफिज़ अहमद साहब, लोग कह रहे हैं जनाब एक लैपटॉप हो, आप हो, ट्रेंड हो और लाखों रुपया लोग घर में बैठे कमा रहे, ये कैसे पॉसिबल है? बच्चे तो कहते हैं ना कि मोबाइल पे कंप्यूटर पे बैठ के ख़राब हो रहे हैं, तो ये बच्चे कमा रहे हैं, ये कैसे है? सबसे पहले मुदस्सिर भाई आपका शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। देखें, पैसे तो बच्चे पहले भी कमा रहे थे, अगर आपने देखा हो कंटेंट राइटिंग से हमारे फ्रीलांसर्स कुछ ना कुछ पैसे बच्चे कमा लेते थे, कोई लोगो डिज़ाइन करके पैसे कमा लेते थे फाइवर पे, अपवर्क पे, अपने अपने अकाउंट बना के। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसे, और अगर हम करियर कहें मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग या नॉर्मल कंटेंट राइटिंग, उसके अंदर उस तरह से करियर हमें नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन अमेज़ॉन की फ्रीलांसिंग में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। देखें, अभी जैसे अमेज़ॉन, आपने बात की कि पाकिस्तान को अलाउ कर दिया अमेज़ॉन ने कि आप पाकिस्तान से अपनी आईडी बना के अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं। अब इस पर होगा क्या, काम पहले भी हम लोग कर रहे थे लेकिन हम यूके से कंपनी बनाते थे या यूएस से कंपनी बना के उसकी बेस पे हम अमेज़ॉन पे बेचते थे। अब जब हम पाकिस्तान में कंपनी बना के पाकिस्तान से अमेज़ॉन की आईडी बना के बेचेंगे तो सबसे पहला फ़ायदा तो हमारे मुल्क को होगा कि रेमिटेंस आएगी, यहाँ पर डॉलर्स हमारे पाकिस्तान आएंगे जो कि पहले बाहर होते थे। अच्छा, ये तो उन लोगों के लिए होगा ना जो अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं। अब आपने बात की उन बच्चों के लिए कि जी लैपटॉप है, पैसे कैसे कमाएं? वो बच्चे सर्विसेज दे के पैसे कमाएंगे। अच्छा। जिस तरह मैं अमेज़ॉन पे बेचता हूँ लेकिन मैं अपना अकाउंट खुद हैंडल नहीं करता, मैंने एक टीम रखी हो जो मेरे अकाउंट्स देखती है, उस टीम को मैं पे करता हूँ। तो उस टीम को या उस टीम में जो भी बच्चे हैं उनको हम कहते हैं फ्रीलांसर्स या वर्चुअल असिस्टेंट्स। ठीक, कि वो वर्चुअली हमें असिस्ट कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं और अपने पैसे चार्ज। वो कैसे करेंगे, उनकी ट्रेनिंग का क्या तरीका कार है? ऐसे तो नहीं बैठ के वो कर सकता जी? इसके अंदर को ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा देर की ट्रेनिंग नहीं होती। अच्छा। 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं बच्चों। अच्छा। को सिखाते हैं और यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोज पड़ी हैं, बच्चे वहाँ से भी सीख सकते हैं, हमसे भी सीख सकते हैं। तो 2 से 3 महीने सीखने के बाद उसके पास ये स्किल्स आ जाती हैं कि आपने अमेज़ॉन पे बेचना क्या है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, तो व्हाट टू सेल ऑन अमेज़ॉन। प्रोडक्ट हंटिंग की स्किल आ गई, फिर उसके पास सोर्सिंग की स्किल आ गई कि प्रोडक्ट ये हमने चाइना से सोर्स कैसे करनी है अच्छी प्राइस पे, फिर उसको अमेज़ॉन पे ला के टॉप स्पॉट पे रैंक कैसे करना। अच्छा। ये सारी स्किल्स जब उसके पास आ जाती हैं तो वो आराम से घर बैठे अगर एक क्लाइंट भी हैंडल करता है तो एक क्लाइंट से उसको $400 मिलते हैं। अच्छा। और अगर 2 से 3 क्लाइंट हैंडल कर ले तो $800 से $1200 $1000 रफली एक आम बच्चा कमा सकता है थोड़ी सी मेहनत करके। तो वैसे तो आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, मैंने तो कुछ रिक्शों में पीछे लिखा और देखा है 500 रुपये में अमेज़ॉन की ट्रेनिंग लें, तो ये 500 रुपये में भी अमेज़ॉन की ट्रेनिंग हो सकती है? फिर देखें जी, ये तो फिर आपकी मर्ज़ी है। हाँ। कि आप 500 रुपये वाले लेंगे तो फिर आप खुद सोच लें कि जो बंदा 500 में आपको सिखा रहा है वो उसके पास खुद कितना नॉलेज है या कितना एक्सपीरियंस है। देखें, लोग हमें कहते हैं जी आप चार्ज करते हैं $300-$400 ट्रेनिंग का, उस पर आप देखें कि इतने सारे रिसोर्सेज होती है। जब भी आप कोई अच्छे ट्रेनर्स हायर करते हैं, अब मेरी टीम में अच्छे ट्रेनर्स हैं तो ज़ाहिर है वो 500 रुपये में नहीं काम करते, उनको मुझे अच्छा पे करना पड़ता है, वो फिर अपना टाइम निकाल के लाते हैं, एक्सपीरियंस होता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और मेरी टीम जो है, हम लोगों ने सारे काम खुद से किए हुए हैं।
मैंने अमेजोन ए टू जेड पिछले 10 साल से मैं कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने प्रोडक्ट हंटिंग से लेके सोर्सिंग से लेके, इवन जब मैं यूके में था तो मैंने पैकिंग भी खुद की हुई है उन प्रोडक्ट्स की, अच्छा। उनको डिलीवर भी खुद किया हुआ है, तो मैंने ए टू जेड अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम किए हुए हैं। फिर एसेट फ्लिप भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, जो एसेट फ्लिपिंग का एक मेन मॉडल है। पाकिस्तान में तो पहले आप मेरे ख्याल में जिन्होंने एसेट फ्लिप किया था, ये पाकिस्तान के अमेज़ॉन की जो जितनी भी हिस्ट्री और इंडस्ट्री है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के अंदर बिल्कुल, और ये है कि वो बस अल्लाह ताला का एहसान है, उसमें मैं अपना कोई कमाल नहीं समझता। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है एसेट फ्लिपिंग है? बच्चे अकाउंट्स बनाते हैं, मैं इसको थोड़ा ना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि जनाब बच्चे आ रहे हैं ट्रेनिंग में आ रहे हैं, कहते जी कि एसेट फ्लिप करना ये एक बड़ी कामयाबी है, ये क्या है, चीज़ क्या है? देखें, जब भी कोई बंदा अमेज़ॉन पे बिज़नेस करने आता है ना, तो उसके माइंड में दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि अमेज़ॉन का बिज़नेस जो है ये ऑटोमेशन पे चलता है, तो चलो मैं जो भी काम जो भी बिज़नेस कर रहा हूँ वो भी चलता रहेगा, साथ ये भी चलेगा। अच्छा, और साथ वो ये समझता है कि मेरा इसमें एक एसेट भी बन जाएगा, जो कि बन जाता है। देखें, 100% गारंटी किसी बिज़नेस में नहीं होती। आपकी वीडियो के तवज्जो से मैं लोगों से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि कोई ये ना समझे कि जी आप आज शुरू करेंगे तो कल आप करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मेहनत है, बिज़नेस है। अच्छा, एसेट की साइंस ये है कि आपका जो महीने का प्रॉफिट आ रहा है अमेज़ॉन पे, फॉर एग्जांपल आपकी सेल हो रही है $10,000 की और आपका प्रॉफिट है $3,000, तो $3,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 30 महीनों के प्रॉफिट पे $90,000 का आप वो एसेट फ्लिप कर देंगे। फ्लिपिंग का मतलब दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर देंगे, जैसे प्लॉट ट्रांसफर होता है, आप तो प्रॉपर्टी का करते हैं, आपको जिस तरह प्लॉट ट्रांसफर का है प्रोसीजर, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऑफिस में दोनों इकट्ठे होते हैं, प्लॉट ट्रांसफर हो जाता है। अमेज़ॉन के ये कि ऑफिस में इकट्ठे नहीं होते, अमेज़ॉन को ईमेल जाती है, अमेज़ॉन के साथ सेटलमेंट होती है कि जी ये वाला पासपोर्ट अनलिंक कर दें, ये नया पासपोर्ट ऐड कर दें, अब इस अकाउंट का ये बंदा ओनर है। सही। अच्छा, अब जो बंदा खरीदता है उसको क्या फ़ायदा होता है? वो बंदा खरीदता है जिसके पास पैसे काफ़ी हैं, मंथली इनकम नहीं है, उसे कोई तरीका नहीं आ रहा, वो कहता है चलो मैं ये बिज़नेस चलता हुआ खरीद लेता हूँ, मुझे महीने का प्रॉफिट आता रहेगा। सही। तो दोनों पार्टीज़ के लिए विन विन सिचुएशन होती है इसमें। ठीक है, मतलब ये है कि बच्चे अगर मेहनत करें तो अपना एसेट जो है वो आगे फ्लिप करने में भी कामयाब हो सकते हैं, उससे एक बड़ा अच्छा उनको गेन हो जाता है। अगर तो कोई बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करें ना, तो वो विदाउट इन्वेस्टमेंट भी एसेट के अंदर शेयर ले सकते हैं। अच्छा, वो इस तरह से कि अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो आप जिस इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे हैं वो एक तो आपको महीने का पे करेगा $300, $400, $500, प्लस वो आपको 20% या 30% इक्विटी भी दे देगा कि इतने परसेंट के आप मेरे शेयर होल्डर हैं बिजनेस में विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो जब वो एसेट फ्लिप होगा तो उस बच्चे को भी उसका हिस्सा मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ बड़ी होती है कि कंप्यूटर पर एक बड़े आम फैम सी एक बात है, वो कहते हैं कि जब तक आप कोई BCS कंप्यूटर साइंसेज ना किया हो, MCS कंप्यूटर साइंस ना किया हो, IT की फील्ड के ना हो, तो आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। कैसे कि अमेज़ॉन में आने के सिर्फ वही बच्चे आ सकते हैं जो कंप्यूटर साइंसेज के बच्चे हैं, या कोई भी इस बिज़नेस में आ सकता है? मतलब सर, मैं इसमें कोई भी आ सकता है, और आपको तो मेरा चले फैमिली बैकग्राउंड भी पता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में आप भी रहे, कि मैंने MA इस्लामियात किया वहाँ से, मेरा कंप्यूटर साइंसेज से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आज भी अगर मेरे लैपटॉप की विंडोज़ चली जाए तो मुझे विंडो करने नहीं आती। अच्छा। लेकिन अमेज़ॉन का काम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ए टू जेड आता है, क्योंकि उस पर मैंने मेहनत की, सीखा। तो ये स्किल्स हैं, इसके लिए आपकी कोई डिग्री मैटर नहीं करती, कोई बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, कोई भी स्किल कोई भी आदमी सीख सकता है। इंग्लिश कदरे बेहतर होनी चाहिए आप सीखने के लिए भी, और फिर ज़ाहिर है आपने कम्युनिकेट करना है अपने क्लाइंट्स के साथ, इंग्लिश कुछ बेहतर हो आपकी तो आप ये काम सीख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि ये क्या पाकिस्तान में ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आपसे एक बार गुफ्तगू, आप कह रहे थे कि वो जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं, वो यहाँ से ही इतनी नौकरियाँ जनरेट हो सकती, क्या इतनी बड़ी ये मार्केट है कि पाकिस्तान में तो बेरोज़गार नौजवानों की तादाद करोड़ों में हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली, तो क्या इतनी बड़ी मार्केट है कि वो हो सकता है? बिल्कुल, इतनी बड़ी मार्केट है। और मैं ये बात कहता हूँ अक्सर जगहों पर कि आज के दौर में अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ी बहुत पढ़े लिखे हैं, और आपके पास इंग्लिश थोड़ी सी आपको आती है, तो बेरोज़गारी समझ नहीं आती हमें। सही। कि आप फ्रीलांसिंग करें, देखें एक डिग्री पे आप 4 साल लाखों रुपए लगाते हैं और आप नौकरी की तलाश में जाते हैं। एक स्किल है जो आप 2 से 3 महीने सीखते हैं और माशाल्लाह जल्दी अर्निंग शुरू कर देते हैं, और जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है तो पहले ही महीने में आपकी पूरी फीस रिकवर हो जाती है जो आपने ट्रेनिंग के लिए पे की होती है। दुनिया में कोई और ऐसी स्किल या ऐसी डिग्री नहीं है। तो मेरे ख्याल में नौजवानों को इस तरफ आना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसमें। ये नहीं कि आप आए हैं और 1.5 महीने बाद आप कहें कि मुझे समझ नहीं आ रही है मसला। देखिए, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक या इंटर किया हुआ। अच्छा। और वो बहुत अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर हमारे नौजवान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स स्पेशली
किसी भी फील्ड के अंदर ना, उनके लिए तो बहुत आसान काम है ये, बड़ी आसानी से थोड़ी सी मेहनत करके वो ये काम सीख सकते हैं। अच्छा, मैं एक बड़ा थोड़ा सा सवाल अजीब है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तानियों के हवाले से बाहर बैठे लोगों का ना बड़ा एक अजीब सा माइंड है कि ये दो नंबरी वाला मामला करते हैं। अगर पाकिस्तान में यहाँ पर वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं तो बाहर का बंदा बैठ के उनके साथ वो बिज़नेस करना चाह रहा है तो ये कोई ऐसी तो नहीं मामला होता कि जनाब ये मेरा बिज़नेस भी बिठा देंगे, दो नंबरी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या वाकई आप बिज़नेस इतने साल से कर रहे हैं, बाकी लोग जो आपके साथ कर रहे हैं, और जैसे पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है सनी अली हैं, वो बाहर बैठे हुए काम कर रहे हैं, तो ये तो नहीं एक नेगेटिविटी है कि जनाब ये दो नंबरी हो जाएगी, चंद मेहनत करने वाले भी बदनाम हो जाएंगे। इस फील्ड को कैसे ये है कि सिक्योर हुआ हो कि ऐसा कुछ नहीं होता इस वाले में, क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स चल रही हैं उनके बारे में बड़ी नेगेटिव है, देते कुछ हैं आता कुछ हैं, इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, फ्रीलांसिंग में मैं आपको जिक्र कर दूँ, ये सारा क्रेडिट जो है मैं बिल्कुल अपने मेंटोर को दूंगा, सनी भाई को, कि उन्होंने इतनी मेहनत की है पिछले 3-4 साल में पाकिस्तानी अवाम को, जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर उन्होंने इतना उनका माइंड सेट चेंज किया है कि अभी कल की बात है, हम एक जगह पे इधर हमारा सेमिनार था, वहाँ पे हमने अपवर्क का अकाउंट खोला और अपवर्क पे यानी एज अ सेलर हम गए कि हमने दे हमें वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, हमने अमेजोन VA लिखा, टॉप के 10 लोगों में माशाल्लाह 7 पाकिस्तानी थे। अच्छा, एक इंडियन, एक बंगाली, एक फिलिपिनी, 10 में से, और 7 पाकिस्तानी। तो ये इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान के रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, और टॉप 5 में इस वक्त फ्री लांसिंग में टॉप 5 कंट्रीज़ में पाकिस्तान आ रहा है। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी अब बन चुकी है माशाल्लाह। अब अभी इस वक्त जो गोरों के ग्रुप्स हैं वहाँ पे भी जिक्र होता है कि अगर वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए तो पाकिस्तान से लेना है। तो ये एक मेहनत है, 3-4 साल की मेहनत है, उसके बाद आज हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि अभी ऐसा नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत बेहतर हो चुके हैं पाकिस्तानियों के। और फिर ये जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप काम करते हैं वो आपकी पेमेंट होल्ड करता है, जिस बंदे के साथ भी हम काम कर रहे हैं जब हम उसका काम डिलीवर करेंगे तब वो हमें पेमेंट करेगा। तो इसलिए बच्चों को ये भी होता है कि मेरा अच्छा काम डिलीवर होगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। तो अब ये दोनों तरफ से बड़ा अच्छा काम हो रहा है और पाकिस्तान का नाम बड़ा बेहतर हो रहा है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये बच्चे क्या क्या स्किल्स सीखेंगे जो उसके फ्रीलांसिंग के अंदर, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको सीखना ज़रूरी है? देखें, एक तो स्किल्स हैं इसके अंदर अमेजोन FBA प्राइवेट लेबल, जो आप अपनी प्रोडक्ट अपने नाम से बेचते हैं उसकी स्किल सीखना, और एक FBA होलसेल मॉडल कि आप जो ब्रांड्स ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रहे हैं उन्हीं से लेके उन्हीं के लिस्टिंग पे जाके बेचना। फिर एक अमेजोन किंडल आ जाता है कि आप अपनी बुक्स जो हैं वो लिख के अमेजोन पे बेचते हैं, तो किंडल का काम सीख के भी आप पैसे कमा सकते हैं, होलसेल का सीख के भी, और प्राइवेट लेवल में A to Z सीख के भी कमा सकते हैं, और कोई एक स्किल सीख के भी कमा सकते हैं। आप सिर्फ ये स्किल सीख लें कि अमेजोन पे क्या बेचना है, प्रोडक्ट हंटिंग, आपको और कोई काम नहीं आता, आप सिर्फ लोगों को ये बताते हैं जी आपने बेचना क्या है। वो टूल्स हैं डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट में, जंगल स्काउट, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ड्स, यहाँ से आप मार्केट रिसर्च करके प्रोडक्ट एक फाइनलाइज करते हैं। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जो अकाउंट हैंडल नहीं करते, बाकी कोई काम नहीं करते, सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं। सही। किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं, अच्छी प्राइस निगोशिएट कर लेते हैं सप्लायर से और वो उसके अपने चार्ज कर लेते हैं पैसे। तो ये डिपेंड करता है, आप ये देख सकते हैं कि आप सारा काम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी एक स्किल के ऊपर भी ग्रिप कर लें तो आप उस एक स्किल की बेस पर भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर अर्निंग तो ये हो गया है, लेकिन ये पैसे फिर कैसे आएंगे उनके पास, ये क्या तरीका कार है? पाकिस्तान में एक बड़ा ईजी है कि बैंक्स वगैरह में उनके अकाउंट्स में कैसे आएंगे? अच्छा, इसके अंदर बुनियादी जो हमारी ज़रूरत भी है एक, वो मैं इस वीडियो के तवसत से गुजारिश भी करता हूँ अपने हुकाम से भी कि PayPal की हमें अशद ज़रूरत है अभी पाकिस्तान में, क्योंकि जो बाहर का जो भी हमारे सेलर्स हैं गोरे, वो प्रेफर करते हैं कि हम अपने असिस्टेंट्स को PayPal के थ्रू पे करें, उसके अंदर वो भी सिक्योर होते हैं, बायर भी सिक्योर होता है। तो PayPal तो अभी नहीं है पाकिस्तान में, अभी तक जो बच्चे पेमेंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं Payoneer के थ्रू। Payoneer एक वर्चुअल बैंक अकाउंट बन जाता है आपका पाकिस्तान में बैठ के, आपको उसमें पेमेंट आ जाती है, अपवर्क के साथ आप अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देते हैं, Payoneer के साथ बैंक अकाउंट लिंक कर देते हैं पाकिस्तानी, तो उसमें पेमेंट आ जाती है आपके पास। इसके अंदर सबसे बेहतर जो काम जो इस वक्त कर रहा है वो मिज़ान बैंक है। मिज़ान बैंक ने अभी रिसेंटली एक अकाउंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया फ्रीलांसर्स के लिए कि जिसके अंदर वो आसानी से इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, उनका बैंक अकाउंट भी आसानी से खुल जाएगा। फ्रीलांसर्स के लिए डेडिकेटेड उन्होंने ईमेल एड्रेस भी दिया है, वो अभी अगले चंद दिनों में पूरी डिटेल उसकी दे देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि फ्रीलांसर्स को जो मुश्किलात आ रही थी इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने में, वो उनका मसला काफ़ी हद तक
मिज़ान बैठने सॉल्व करती है। अच्छा हाफिज़ अहमद साहब, आप खुद ट्रेनिंग करवाते हैं, आपकी पूरी टीम ट्रेनिंग करवा रही होती है, लेकिन आपसे कैसे रब्ता किया जाए, आपकी वेबसाइट के ज़रिए, नंबर्स के ज़रिए कैसे किया जाए? एक तो हमारी वेबसाइट है hafizahmed.pk, वहाँ पे भी जाएंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी, और हाफिज़ अहमद के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं और आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, तो टीम जो है वो लोगों से रब्ता कर लेती। बिल्कुल, सारे नंबर्स जो हैं वो इस वक्त टीवी स्क्रीन, ये जो आपके मोबाइल स्क्रीन है, आपके लैपटॉप स्क्रीन है, वहाँ पर भी आ रहे हैं। हमने कोशिश की है कि इनकी इजाज़त से वो सारी चीज़ें वो दे दें ताकि आप उसको देखने के बाद रब्ता कर सकते हैं। और ट्रेनिंग के लिए बड़ा आसान है, चीज़ें जो प्रोसेस है हम देख रहे थे, तो आप भी उस पर रब्ता कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया हाफिज़ अहमद साहब आपका, बहुत सारे सवाल हैं वो हमने कोशिश की हाफिज़ अहमद साहब से जानने की, और मेरे लिए भी बड़ा ये हैरानकुन है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपकी इंग्लिश कुछ बेहतर है, आपके पास कंप्यूटर की कुछ स्किल्स हैं, तो अगर आप फिर भी बेरोज़गार बैठे हैं और किसी नौकरी के इंतज़ार में हैं, तो वो नौकरी फिर आपके इंतज़ार में ही रहेगी और दोनों का इंतज़ार उसी तरह से बरकरार रहेगा। आगे बढ़िए, आपके लिए इस जहान में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसा कि अमेज़ॉन की सूरत में आप अपना बिज़नेस बना सकते हैं, अपना रोज़गार जो है वो खुद पैदा कर सकते हैं, बल्कि जैसे हाफिज़ अहमद साहब ने 10 साल पहले आगाज़ किया और फिर अब इस वक्त वो खुद ट्रेनिंग कर रहे हैं। किसी अगली नशिस्त में हम इस सक्सेस स्टोरी के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि मैं इनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ये कहाँ से शुरू हुए और आज कहाँ पहुँचे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वजह, मेहनत। कोई और मज़ीद आपका सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम अगली किसी नशिस्त में आपसे वक्त लेंगे। अब सब मसरूफ़ तो बहुत हैं आप ट्रेनिंग्स में और लोगों में, लेकिन हम लेंगे ताकि आपके लिए जो है मोटिवेशन वो भी मिले और आपको काम करने में भी आसानी हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।